और आज महज 8 सेकंड में ही ये शादी का उत्सव मातम में बदल गया। खुशी के माहौल में शामिल होने आए लोगों के बीच हाहाकार मच गई। जयमाला का स्टेज सज चुका था, दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए दुल्हन भी बेकरार थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तक किसी ने नहीं की होगी। स्टेज के ठीक ऊपर से छज्जा टूटकर अचानक नीचे गिर गया। हादसे की ये तस्वीर है गया की, जहां पटाखों के शोर के बीच कब चीख पुकार मच गई पता ही नहीं चला और महज 8 सेकंड में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। दरअसल दूल्हा दुल्हन के वरमाला को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ जुट गई। जब नीचे जगह नहीं मिली तो बालकनी में महिलाओं की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान अचानक बालकनी नीचे गिर गई और इस हादसे में 12 महिलाएं घायल हो गई। अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां स्टेज पर दूल्हा दुल्हन दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने वाले थे। इस दौरान बगल के घर की बालकनी में क्षमता से ज्यादा लोग जमा हो गए, जिसके कारण निर्माणाधीन मकान की बालकनी टूटकर नीचे गिर गई। मामला जिले के इमामगंज प्रखंड के फतेहपुर गांव का है, जहां 21 मई की शादी के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में घायल महिलाओं का इलाज निजी और सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बन रहे घर की बालकनी पहले से झुकी हुई थी। शादी वाली रात ज्यादा वजन पड़ने के कारण अधिक देर तक वो टिक नहीं पाई और गिर गई। बालकनी गिरने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों के खतरे से बाहर होने की जानकारी मिलने के बाद शादी की रस्में फिर से शुरू हुई। लेकिन ये हादसा एक सबक भी है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति में भीड़ ना लगाए, क्योंकि जान है तभी जहान है। गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।